नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम सोसाइटी टेंपल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। सोसाइटी टेंपल कंस्ट्रक्शन आपने बहुत सोसाइटी में देखा होगा, वहाँ एक टेंपल ज़रूर रहता है, वो छोटा टेंपल रहता है। आज हम देखने वाले सोसाइटी टेंपल, इसमें जो गणेश टेंपल है, श्री गणेश टेंपल, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया है। इसमें सबसे पहले आरसीसी वर्क किया गया है। आरसीसी होने के बाद वो जो शिखर है, शिखर के लिए ब्रिक वर्क किया गया है। अभी आप देख सकते हैं इसका प्लास्टरिंग और ये शिखर का वर्क चल रहा है। और ये पूरा शिखर के ऊपर में ये जहाँ कलश बैठा थे उसका जो टॉप का, उसको ये गोलाकार, इसका भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आरसीसी ब्रिकवर्क और प्लास्टर कंप्लीट किया गया है। ये सामने के पिलर, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये छोटा टेंपल बनाने के लिए कई तरह के डिज़ाइंस आते हैं, इसमें से एक छोटा डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा लेकिन काफी खूबसूरत डिजाइन है। ये ऊपर का देख सकते हैं, ऊपर का डिजाइन। ये ऊपर का फिनिशिंग, प्लास्टरिंग करने के बाद में इस सीमेंट से पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं। ये डिजाइन बनाना काफी स्किल्ड वो काम है। ये देखिए, ये प्लास्टरिंग होने के बाद में ये कैसा दिख रहा है। ये मंदिर बनाने के लिए काफी फेमस कारागिर भी रहते हैं, तो स्पेशलिस्ट रहते हैं। अभी ये सोसाइटी की तरफ से कैसे दिखता है, इसका व्यू देखिए। ये सोसाइटी की बाहर तरफ से कैसे दिख रहा है, इसका व्यू है ये। अभी ये सामने से दिखे, फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है। ये जो सामने कट्टा किया गया है वो भगवान की मूर्ति रखने के लिए है। ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें मेन एक स्टोन वर्क, इसमें आप ग्रेनाइट का देख सकते हैं। ग्रेनाइट कट करके जहाँ मंदिर की मूर्ति जहाँ बैठाते हैं वो कट्टे के लिए, मंदिर के पीछे साइड के लिए और वो पिलर के साइड के लिए पूरा ग्रेनाइट लगा रहे हैं। ये ग्रेनाइट का कटिंग आप देख सकते हैं, ये मशीन से ग्रेनाइट कट कर रहे हैं। ये कट करते समय थोड़ा पानी डालते हैं, पानी डाल के उसमें, ताकि स्मूथली कट हो वो। ये अभी इधर मोटर बना रहे हैं नीचे बेस के लिए, ग्रेनाइट बैठाने के लिए। ये बेस का टाइल देखिए, बेस के लिए बना रहे हैं। इसको प्रॉपर लेवल करके एक साइज से इसको अच्छा से बेस बनाते हैं। उसका प्रॉपर लेवल होना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए आप कैसे बैठा रहे हैं।
कि छोटे टेंपल्स में या फिर मंदिर में ग्रेनाइट या फिर नेचुरल स्टोन का इस्तेमाल करने से उसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ती है। ये देखिए साइड का पट्टी कैसे लगा रहे हैं। ये बैठाते समय भी लेवल प्रॉपर लेवल का ध्यान रखा जाता है ताकि वो कट्टे से सेम डिस्टेंस पे वो रह सके। तो ये कट्टे को भी चारों तरफ से मतलब दोनों साइड सामने वाली साइड और ऊपर की साइड ग्रेनाइट लगा के फिक्स करते हैं और एक कट्टे के बैक साइड है उसको भी प्रॉपर ग्रेनाइट लगाते हैं। ये देखिए ग्रेनाइट का जो एजेस है वो एजेस को स्मूथ करते हैं, उसको कर्वेचर करने के लिए वो मशीन से कैसे इसको ये करते हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी इधर बैठा रहे हैं। ये मोल्डिंग थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। ये भी एडाडेड लगा रहे हैं, ये केमिकल है, ये केमिकल से उसको प्रॉपरली चिपकता है। ये देखिए केमिकल दोनों इसमें लगा रहे हैं। इसमें कुछ वो डस्ट के भी डाल रहे हैं। ये केमिकल लगाने से ये प्रॉपरली चिपकता है। ये देखिए साइड आप रखा देख सकते हैं। ये देखिए ये टॉप का भी अभी बाहर का साइड का फिनिश कर रहे हैं। ये मंदिर के सामने जो एरिया है उसमें पूरा टाइल्स लगा रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। ये सीमेंट कंक्रीट टाइल्स है, इधर आप देख सकते हैं। नीचे पूरा मोटर बैठाया जाता है, उसके ऊपर ये टाइल्स लगाते हैं। ये टाइल्स बैठाते समय लाइन और लेवल का ध्यान रखा जाता है। ये देखिए अभी पूरा टाइल्स लगाने के बाद ये कंप्लीट होने के बाद कैसे दिख रहा है। देखिए पीछे साइड से भी देख सकते हैं, ये साइड से भी देख सकते हैं, पूरे सराउंडिंग पूरा टाइल्स लगाया गया है।
वही मंदिर के अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं। इसमें पूरा ग्रेनाइट लगा के उसको अच्छे से फिक्स किया गया है। स्टेप्स के ऊपर भी वो टाइल्स लगाए गए हैं। भी पेंटिंग देख सकते हैं मंदिर के ऊपर का जो गोपुर या फिर शिखर है उसका पेंटिंग देख सकते हैं। पेंटिंग पूरा हो गया है, इधर आप देख सकते हैं। और पेंटिंग होने के बाद में ये पूरा ग्रिल बैठा रहे हैं। सामने वाला ओपनेबल है जैसे डोर है और दोनों साइड के ग्रिल फिक्स है, ये आप देख सकते हैं। इसको ऊपर वेल्डिंग करके डिज़ाइन करके बना रहे हैं। दोनों साइड में भी ग्रिल ही बना गया है, इसमें दीवार बनाई नहीं गई है। ये सामने का ग्रिल एज अ डोर इसको ओपन कर सकते हैं। इसको प्रॉपर वेल्डिंग करके फैब्रिकेशन करके बनाया गया है। ये देखिए ग्रिल कंप्लीट होने के बाद में कैसा दिख रहा है। ये साइड का है, ये फ्रंट का डबल डोर ओपनिंग है और ये दूसरी साइड का है। ये सामने वाला ये ग्रिल डोर्स जो डबल डोर बनाया गया है वो ओपनेबल है। अभी इधर आप देख सकते हैं ऊपर का जो श्राइन है, मराठी में इसको कलश बोलते हैं या फिर हिंदी में शिखर बोल सकते हैं, उसका बनाने का तैयारी चल रहा है। साइड में स्कैफोल्डिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए स्कैफोल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि ये कलश बैठाना, मराठी में जो कलश बोलते हैं या शिखर ये बैठाना एक विशेष कार्य है। ये देखिए इधर उसको बैठा रहे हैं। ये कलश जो है वो पंचधातु का है, पंचधातु से बनाया गया है। इसका फिक्स करने के लिए एक विधि भी रहता है और ये मूर्ति भी स्थापन की गई है। इधर आप देख सकते हैं श्री गणेश जी की मूर्ति। ये धार्मिक कार्यक्रम करने के बाद में एक गणपति मूर्ति बैठाई जाती है और कलश बैठाया जाता है, होम हवन किया जाता है, इधर आप देख सकते हैं। और ये पूरा होने के बाद कैसे दिखता है आप देख सकते हैं, श्री गणेश मंदिर। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।